हेलो गाइस, मैं हूँ सुमित सिंह और आपके लिए लेकर आया एक नया वीडियो। जो आज हमारे पास सही ओल्ड बुलेरो जो आज हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं हेडलाइट एलईडी बल्ब, और इसकी जो हेडलाइट जो है इस जो इनके ग्लास है वो पूरे के पूरे पीले पड़ चुके हैं। ये आप ये देख सकते हैं, इसकी हेडलाइट का ग्लास पूरा पूरा पीला पड़ चुका है और ये पूरा ब्लर हो चुका है। ये सर को रोशनी बिल्कुल नहीं दिख रही थी, तो ये हम क्लीन करने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा केमिकल है जो इस टाइप से पूरे ग्लास पे अप्लाई करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना रहता है। ये आप ये देख सकते हैं, इस टाइप से पूरा इसके ऊपर अप्लाई करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ के इसको फिर अच्छे से फिर हाथ से घिसना रहता है। ये आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से हाथ से घिस के इसका जो पूरा जो पीलापन है वो पूरा का पूरा बिल्कुल निकल जाता है और हेडलाइट पूरी शानदार बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कोई आपने कोई नई लगवाई हो। और ये घिसने के बाद भी हमें 5-10 मिनट तक हमें ऐसे ही छोड़ देना रहता है इसको, हेडलाइट को केमिकल लगा के। और बाकी कॉटन के कपड़े से बिल्कुल अच्छे से इसको घिस के इसका जो केमिकल है वो पूरा साफ़ करना रहता है। और आप ये देख सकते हैं, पूरी हेडलाइट हमारी पूरी क्लीन हो चुकी है, वो पूरा ये पूरा पीलापन पूरा का पूरा इसका हट चुका है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और एक केमिकल लगाएंगे तो उससे तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जैसे आपने कोई नई हेडलाइट लगवाई हो। ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो केमिकल लगाने के बाद में आपका ऐसा लगेगा कि ये वाली हेडलाइट आपने नई लगवाई हो। और इसको हेडलाइट को क्लीन करने के बाद में रोशनी काफ़ी बढ़िया आती है, वो जैसे कभी पीला जो हेडलाइट का ग्लास पड़ जाता है तो उसमें रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती है। बाकी आप देख सकते हैं, ये हमारा राइट साइड का ग्लास पूरा क्लीन हो चुका है। आपको दूर से ही दिख रहा होगा कितना प्यारा शानदार तरीके से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल ग्लास इसका नया हो चुका है। बाकी स्टॉक बल्ब में आपका इस टाइप से एक बल्ब आता है आपका, और ये वाला हम एलईडी हेडलाइट बल्ब लगा रहे हैं इसके अंदर बुलेरो के अंदर, ताकि रोशनी काफ़ी अच्छी आती है इसकी। और ये रहता है हमारा 220 वॉट का रहता है ये हमारा एलईडी हेडलाइट बल्ब। और ये सॉकेट टू सॉकेट रहता है, इसके अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है। ये हमारा एलईडी हेडलाइट बल्ब लग चुका है, सॉकेट टू सॉकेट रहता है ये अंदर, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारी दोनों ग्लास बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि आपने नई हेडलाइट लगाई है। और ये हमारा एलईडी हेडलाइट बल्ब ऑन हो चुका है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया रोशनी रहती है इनकी।